21 जून 2023 को जो डायरेक्ट सेलिंग का पिछला गाइडलाइन था उसका संशोधन हो चुका है और उसमें नेटवर्क बनाने की अनुमति मिल गई है। सन 28 दिसंबर 2021 उस दिन गैजेट ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया गया और ये गाइडलाइन आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भूचाल आ गया था। क्यों? क्योंकि जब ये गाइडलाइन आया तो इस गाइडलाइन को लेकर बड़े बड़े नेटवर्कर ने, यूट्यूबर ने, न्यूज़ वाले ने इतना अफवाह फैलाया कि अब सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इलीगल हो गई है, अब जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां है सारी की सारी बंद हो जाएगी। भारत सरकार ने सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को इलीगल घोषित कर दिया है। ऐसा लोग क्यों बोल रहे थे? क्यों? क्योंकि इस गाइडलाइन में नेटवर्क शब्द का कहीं भी संबोधन नहीं किया गया था और इस नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, इस नेगेटिव खबर की वजह से बहुत सारे लोगों ने इमीडिएट काम करना बंद कर दिया था, बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी, बहुत सारे लोग ने इस काम को छोड़ दिया था। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग के शुभचिंतक थे, जो बड़े बड़े नेटवर्कर थे, वो जानते थे इस बिजनेस के पोटेंशियल, उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिख करके भेजा कि इसका संशोधन होना चाहिए और उनकी मेहनत रंग लाई और इस साल 21 जून 2023 को डायरेक्ट सेलिंग का जो 28 दिसंबर 2021 का जो गाइडलाइन था उसका संशोधन किया गया। और संशोधन में क्या कहा गया? जहां पे लिखा था सीधे विक्रेताओं के माध्यम से प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल किया जाएगा, वहां पे सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। यानी नेटवर्क बनाने की अब छूट मिल गई है इस नए गाइडलाइन के अनुसार। जहां भी प्रत्यक्ष विक्रेताओं के माध्यम से लिखा था वहां पे प्रत्यक्ष विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से आप काम को कर सकते हैं। यानी नेटवर्क बनाने की, टीम बनाने की हमें इजाज़त मिल गई है और हमें अब क्या करना है? दिल से काम करना है, खुलकर काम करना है, एजुकेशन लेकर के काम करना है और अपने नेटवर्क को बड़ा से बड़ा बनाना है, अपने अर्निंग को बढ़ाना है, जल्दी से जल्दी प्रमोशन लेना है। अगर आपके मन में अभी भी कुछ निगेटिव बातें चल रही है इस बिजनेस के लेकर के कि ये लीगल है या इलीगल है, तो इस बात को मन से निकाल दीजिए। भारत सरकार के द्वारा जो गैजेट ऑफ इंडिया है इसके द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत 21 जून 2023 को जो डायरेक्ट सेलिंग का पिछला गाइडलाइन था उसका संशोधन हो चुका है और उसमें नेटवर्क बनाने की अनुमति मिल गई है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल है, ये फ्रॉड का काम है, ये गलत धंधा है, तो आप उन्हें इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर दिखाएं, उन्हें पढ़ाएं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर ले। जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां रन करेंगी उनको इस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। कंपनियां भारत सरकार के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका CIN नंबर, TAN नंबर, PAN नंबर होना अनिवार्य है। और दूसरा, भारत में उनका कम से कम एक ऑफिस होना कंपलसरी है। ऐसी बहुत सारी मैं कंपनियों को देख रहा हूं जो क्रिप्टो के नाम पर आ रही हैं, मनी रोटेशन के नाम पे आ रही हैं और उनका कोई ऑफिस, फिजिकल ऑफिस प्रेजेंट नहीं है भारत के अंदर, वो डिजिटली रन कर रहे हैं। वैसे कंपनियों से सावधान रहे हैं, वो आपके साथ स्कैम करेंगे। जिन कंपनियों का ना तो कोई प्रोडक्ट है ना उनका कोई सर्विस है, वैसे कंपनी को बिल्कुल ज्वाइन ना करें। जो कंपनी फाल्स कमिटमेंट करती है कि मैं आपको रातों रात करोड़पति बना दूंगा या उनका अपने प्रोडक्ट को कोई चमत्कारिक फायदे बताते हैं, वैसे कंपनियां जो फाल्स कमिटमेंट करती हैं वैसे कंपनी में कभी भी ज्वाइन ना करें, सावधान रहें। और अगला है, अगर कोई कंपनी ज्वाइनिंग के चार्ज ले रही है तो वैसे कंपनी को ज्वाइन ना करें, उन पे केस हो सकता है, उन पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जो मैंने आपको अभी कुछ पॉइंट बताए इन्हें जरूर याद रखिएगा और दिल से काम करिए, खुलकर काम करिए, क्योंकि अब तो भारत सरकार ने अनुमति दे दी है कि नेटवर्क बना सकते हैं। तो बड़ा से बड़ा नेटवर्क बनाइए, दिल से काम करिए। और अगर कोई आपके मन में डाउट है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।